it, and you guys, especially 7C students, will help me in discussing the respiration of other organisms. Okay, they had done it yesterday. So while we are doing respiration in other organisms, I think the first one which is given in your book is cockroach or insects. First is cockroach, or you can say insects. Come in, Ruchi. Which special organ of insects help them to respire? Yes, it is spiracles. Absolutely correct. It is spiracles. Spiracles are the small holes on the body of the insects which are further connected to air tubes. Okay? These are connected to the air tubes, which is called as trachea. Air enters through the spiracles, goes into the trachea or air tubes, and then diffuses directly to the body tissues. Right? And then diffuses directly to the body tissues. बॉडी टिश्यूज में बेटा डायरेक्टली डिफ्यूज हो जाती है एंड इन दिस वे दीज ऑर्गेनिजम्स गेट ऑक्सीजन एंड विच इज यूटिलाइज्ड विच इज यूज्ड बाय देम टू कन्वर्ट देयर फूड इनटू एनर्जी. ठीक है, अगर आपको बाय चांस ये क्वेश्चन आता है कॉकरोच का, तो ये तीन पॉइंट्स आपके पूरी तरह वेल एक्सप्लेन्ड होने चाहिए. Spiracles क्या होता है? Small holes present on the body of the organism. They are further attached to the air tubes called trachea. And air diffuses. Air enters from spiracles, goes into the trachea, and then diffuses in the body tissues directly, from where it is used for the respiration. ठीक है, और ये तीन वर्ड्स आपके पेपर में आंसर में अंडरलाइंड होने चाहिए जो बोर्ड पे लिखे, और एक्सप्लेनेशन पूरी होनी चाहिए. ठीक है लक्ष्य, यू वांट टू से समथिंग? लक्ष्य मैम. हाँ जी मैम, एक बार एसिड बेस सॉल्ट भी एक बार डिवाइस करवा देना. सारे करवाने हैं बेटा, ये कंप्लीट करके फिर चलते हैं उस पे. ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक है, अभी कंप्लीट हो जाना, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर. ओके, तो आई थिंक कॉकरोच का क्लियर है. कॉकरोच में ये तीन पॉइंट सबके आंसर में अंडरलाइन होने चाहिए और एक्सप्लेनेशन प्रॉपर होनी चाहिए. इतना ही करवाया कि कुछ और करवाया? 7C एक्स्ट्रा, बस इतना ही है. नेक्स्ट, कॉकरोच के बाद सेकेंड है अर्थवर्म. अर्थवर्म में क्या खास बात होती है? Yes, earthworm is having a moist skin which directly absorbs oxygen, which directly absorb oxygen from the air. ठीक है, earthworm is having a moist skin that directly take oxygen from the air. And इसके अलावा बेटे एक और ऑर्गेनिज्म है जो बहुत ही कॉमन है, जो मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करता है, दैट इज फ्रॉग. फ्रॉग की खास बात क्या है? मॉइस्ट स्किन भी है और साथ के साथ क्या है? लंग्स. दोनों चीजें हैं फ्रॉग के पास. इस स्पेशल प्रॉपर्टीज के लिए वजह से फ्रॉग को एक और नाम दिया जाता है ना, किस? एम्फीबियंस. ठीक है, frog is kept in the category of amphibian because it is having two organs for breathing, right? Next, third one, fishes. Fishes ke paas kya cheez hoti hai? Gills. And how do gills help the fishes to breathe? How do gills help the fishes to breathe? हाँ,
गिल्स आर दी प्रोजेक्शंस ऑन दी स्किन, ये बात आपकी ठीक है. दीज आर दी प्रोजेक्शंस ऑन दी स्किन मीन्स स्किन के ऊपर ये ग्रो की होते, बट ये ब्रीदिंग में कैसे हेल्प करते हैं? हाँ जी इट हेल्प्स टू टेक ऑक्सीजन. कैसे? क्या गिल्स पानी से सीधा ऑक्सीजन ले लेते हैं, एयर में से ऑक्सीजन लेते हैं? फिश टेक ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर व्हिच इज डिसॉल्वड इन वाटर, बिल्कुल ठीक है. क्या गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन जो है वाटर में से उनके अंदर जाती है? हाँ फिशेस टेक, वेरी गुड बच्चे, फिशेस टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द माउथ. आपने कभी भी अगर आप फिशेस को ऑब्जर्व करोगे ना, काइंडली ऑब्जर्व दिस कि फिशेस ना जब मूव करती है ना अपना मुंह बार बार खोलती, क्यों? टू टेक द वॉटर फ्रॉम द माउथ. रादर यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आता, यहाँ पे वॉटर आता है. फिशेस टेक वॉटर फ्रॉम द माउथ. और जो वॉटर है, देखो फिश का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट जैसे होता है, ऐसे ही होता है ना, और यहाँ पे आपके गिल्स होते, ऐसे ही कुछ होता है. फिशेस यहाँ से माउथ से ऑक्सीजन लेती हैं, दे टेक वाटर फ्रॉम द माउथ एंड दिस वाटर गोज अप टू द गिल्स. गिल्स कंटेन ब्लड वेसल्स. गिल्स के पास क्या होती है? ब्लड वेसल्स that take the dissolved oxygen from the water. ये blood vessels यहाँ से पानी की dissolved oxygen लेते हैं और extra water is thrown out from these gills. ठीक है? This is the actual process how fishes take oxygen from the water. Directly gills oxygen नहीं लेती हैं. फिशेस पानी अपने माउथ के अंदर लेके जाती हैं, अंदर जाके गिल्स के जो ब्लड वेसल्स हैं वो उस पानी में से डिसॉल्वड ऑक्सीजन ले लेती हैं एंड एक्स्ट्रा वाटर इज थ्रोन आउट बाय दीज गिल्स. ठीक है जी. लास्ट आई थिंक इट इज गिवन फॉर प्लांट्स. प्लांट्स बेटे, प्लांट्स की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, दे आर डिफरेंट पार्ट्स ब्रीथ डिफरेंटली. इनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट डिफरेंट वे में ब्रीथ करते हैं. फर्स्ट हाउ डू लीव्स ब्रीथ? लीव्स ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा. यू ऑल हैव डन स्टोमेटा इन डिटेल सो आई विल नॉट गो विद दैट. स्टोमेटा सारा आप लोगों ने किया हुआ है. उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? रूट्स. हाउ डू रूट्स ब्रीथ? रूट्स गोइंग टू ब्रीथ थ्रू द रूट हेयर. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर. रूट हेयर क्या होते हैं? दीज आर द वेरी स्मॉल ओपनिंग्स प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द रूट. दे डायरेक्टली एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. एंड व्हाट अबाउट थिक एंड वुडी स्टेम? थिक एंड वुडी स्टेम क्या वो भी ब्रीथ करती है? यस इट विल ऑल्सो ब्रीथ. इवन की आपकी जो स्टेम है वो भी ब्रीथ करती है और उसको ब्रीदिंग के लिए देर आर स्मॉल ओपनिंग्स ऑन इट्स बॉडी और उसको हम कहते हैं लेंटिकल्स या लेंटिसेल्स. ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज लेंटिसेल्स. उसके टिश्यूज ओपनिंग से थोड़े से लूज होते हैं जिसकी वजह से वो ब्रीथ करते हैं. इसके अलावा बच्चे कुछ और आपका इस चैप्टर में रह गया हो या और कोई क्वेरी? हाँ जी, इज देयर एनी अदर डाउट टू एनीवन? नो डाउट मैम. ओके लक्ष्य, यू वांट टू से समथिंग? नो मैम. इसके डायग्राम की लंग्स के, लंग्स में एक एल्वियोली होती है. अच्छा एक मिनट बच्चे, एक मिनट. So now next we have to start the other chapter. One second, bachcho.
So children, I hope that's all clear to everyone. Now let's going to start with another chapter. ठीक है, दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं. Yes, lesson number 5, acids, bases and salts. बच्चे, I will start this chapter by directly with the difference. इस चैप्टर में अगर आपको इस चैप्टर को समझना है ना, यू मस्ट गो थ्रू द डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस. एसिड्स क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं, अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया ना, देन यू कैन गो फॉर दिस चैप्टर बाय ऑटोमेटिकली. आप ऑटोमेटिकली इसको कवर अप कर सकते हो. ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग से ही आपको थोड़े से एसिड्स और बेसिस के डिफरेंस से स्टार्ट करती हूँ, बाकी तो एग्जाम्पल्स है. एसिड्स क्या होते हैं, अगर जर्नली आपके पास दो चीजें पड़ी हैं, एक मैं कहती हूँ एसिड है, दूसरी मैं कहती हूँ बेस है. ठीक है, तो अगर आपको सिंपली कहा जाए बताओ इसमें कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स बाद में यूज करते हैं, इंडिकेटर्स बाद में देखते हैं. पहले एसिड जो होता है उसकी क्या जर्नली क्या पहचान है. हमारे किचन में बहुत सारे एसिड बहुत सारे बेस हमारे घर में. हाँ, एसिड का जो टेस्ट है, यस गुड, सबसे पहले इट इज सॉल्ट. विनेगर खाते हो, सिरका अनियन है ना, देन लेमन, इवन कर्ड, दैट इज ऑल्सो लैक्टिक एसिड. सारे एसिड्स होते हैं, जितनी खट्टी चीजें हैं उन सब में एसिड है. योर टैमरिंड और बेस जो होते हैं दे आर बिटर. चलो डायरेक्टली आप लोगों ने नहीं खाया होगा, बट समटाइम्स नहाते टाइम कई बार साबुन मुंह में चला जाता है ना, कैसा टेस्ट होता है उसका, कड़वा होता है ना, तो दैट इज बिटर टेस्ट. जो आपके सोप्स होते हैं ना बेटे, दे आर ऑल बेसिस, वो सारे ही बेस होते. सॉरी समझ नहीं आई, खड़ा होके बोल. हाँ, सरफ भी बिटर होता है, That is also a base. जितने आपके बच्चे, सीधी सी बात है, जितने आपके बेस होते हैं ना ये सारे बिटर होते हैं, और बिटर चीजें काफी हद तक बेसिस ही होती हैं. अगर हम इसको केमिस्ट्री में बात करें ना बेटा, इफ वी विल टॉक अबाउट द केमिस्ट्री, तो एसिड वो वाला सब्सटेंस है जिसमें एच पॉजिटिव होता है. चलो ये भी कर लो, दे डू नॉट हैव सोपी टच. They have soapy touch. ठीक है, जब आप इसको टच करते हो तो वो सोप होता है. और क्या डिफरेंस था, आयंस पे आते हैं. बेटे एक चीज याद रखना, वो इंडिकेटर्स पे आते हैं. बेटे अगर हम क्या, अब आ जाओ केमिस्ट्री पे, केमिस्ट्री की बात करें ना, तो केमिस्ट्री में एसिड वो है जिसके पास हाइड्रोजन है. ठीक है, बेस वो है जिसके पास ऑक्साइड है, OH. ठीक है, हाँ जी, तो इसको हम क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन वाले पॉइंट को हम जर्नली लिखते हैं, दे कंटेन, क्या लिखते हैं, नहीं इसको वैसे हाइड्रोजन भी नहीं कहते, इसको आप सिंपल एच पॉजिटिव आयंस लिखते. ठीक है, एच के ऊपर एक छोटा सा पॉजिटिव का सिंबल लगा के एच पॉजिटिव आयन, या इसको हाइड्रोजन आयन भी कह सकते हो सेवेंथ क्लास में, बाद में जाके हम इसको हाइड्रोनियम आयंस कहते हैं. OH को हम लिखते हैं दे कंटेन हाइड्रोक्साइड आयंस. ठीक है, इसको हाइड्रोक्साइल वर्ड कहते हैं एक्चुअली, बट आप इसको OH के ऊपर नेगेटिव का साइन डाल के लिखते हैं. ठीक है, ये हाइड्रोक्साइड नहीं, हाइड्रोक्साइल होता है बेसिकली. ठीक है, जितनी भी आप एग्जांपल्स करोगे ना बच्चे, उसमें आपको H पॉजिटिव H मिलेगा एसिड्स में,
और OH मिलेगा बेसिस में, ठीक है, माइनस जरूरी नहीं होता। आयन मीन्स बेटे आयन जो होता है ना दैट इज ये चार्ज आप कह सकते हो। यहाँ पे आप देखो मैंने पॉजिटिव चार्ज लगाया है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगाया है, तो इन चार्जेस को आप आयन्स कह सकते हो, ठीक है। और जब भी अगर आपने कोई न्यूट्रल सब्सटेंस बनाना है ना तो यही वाला एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव अगर ये आपस में मिल गए तो ये क्या बन गया, एच ओ एच, और अगर दूसरे वर्ड्स में इसको बोलूं तो H2O बन जाता है। व्हाट इज H2O? दैट इज व्हाई वी विल से वाटर इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस। देखो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में बैलेंस हो गया बेटे, अभी मैंने सिर्फ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव लिया है। सॉल्ट तब बनता है जब यहाँ पे H पॉजिटिव अकेला नहीं होता, यहाँ पे कोई और चीज लगी होती है, जैसे आप बात करो HCl की, HCl आपका एसिड है, H पॉजिटिव एसिड नहीं है अकेला, आपको H पॉजिटिव एक्चुअली अकेला कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो ऐसे कंबाइन करके एग्जिस्ट करता है। तो ये H जो होता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव वाला दूसरे नेगेटिव के साथ अटैच हो जाता है, राइट, ये होता है। हाँ जी बच्चे आयंस क्लियर। माइनस और प्लस मींस चार्जेस, दीज आर द चार्जेस दैट आर प्रेजेंट, ठीक है। एक छोटी सी एग्जांपल पॉइंट और है, बड़ा कॉमन सा, मोस्ट एसिड्स दे आर सॉल्युबल इन वाटर, हाउएवर ऑल द बेसिस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, या मोस्ट बेसिस, ये नहीं है कि सारे बेसिस इनसॉल्युबल हैं, मोस्ट बेसिस आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है जी, ज्यादातर बेसिस इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। एक कुछ बच्चों ने पॉइंट लिखा है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बेटा इलेक्ट्रिसिटी दोनों में कंडक्ट होती है तो वो आपका पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं कंसिडर होता, सॉरी कॉफी बेटर होती है, बेस होगी, खाइए कभी एज इट इज खा के देखना, एज इट इज खा के देखना, कॉफी लेना मुंह में रख के देखना, ओके जी। नाउ लेट्स कम टू द एग्जांपल्स। यस बच्चे ये तो बेसिक से पॉइंट्स थे, ये क्लियर हो गए, लेट्स कम टू द एग्जांपल्स। आप ये देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, आई विल एड इट इन ऑलमोस्ट ऑल द एग्जांपल्स, ठीक है। तो एसिड्स की कुछ जर्नल एग्जांपल्स जो हम लैब में यूज कर रहे हैं या जो हम आपको करवा रहे हैं वो कौन सी है, एक आप लोगों ने HCl, और कौन सा एसिड है, H2SO4, और कौन सा है HNO3। ये तीन एसिड्स हमारी लैब में हम जर्नली यूज करते हैं। फर्स्ट HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड, बेटे एस रेफर्स टू सल्फर, ठीक है, तो सल्फर से बन गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड, एन रेफर्स टू नाइट्रोजन, और ये कौन सा एसिड है, नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड एज कंपेयर टू द अदर टू इट इज मोर स्ट्रॉन्ग, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स बेस जो बहुत कॉमन हम यूज करते हैं, मोस्टली जितने एक्सपेरिमेंट जितनी एक्टिविटीज आपको दिखाई है हमने एक ही बेस यूज की है, कैन यू नेम दैट बेस, हाँ नहीं, NaOH, लाइम वाटर भी हमने यूज किया था, बट जो जर्नली इंडिकेटर्स के साथ दिखाई थी वो सारा एक ही था। Na refers to, Na का मतलब क्या है, सोडियम, OH हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा हमने कौन कौन से बेसिस यूज किए, सॉरी एग्जांपल्स कौन सी आती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH twice,
KOH, ठीक है, और हमने इवन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज किया था. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न करके बनाया था, याद है कुछ? पहले मैग्नीशियम रिबन बर्न हुआ था, उसके बाद जो वाइट ऐश थी उसको लेके हमने पानी में डाला था, दैट बिकम्स एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला था? MgOH twice. ठीक है जी. तो ये कुछ एसिड्स हैं और कुछ बेसिस हैं. जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, एक हमारे पास बनता है सॉल्ट, दूसरा हमारे पास बनता है वॉटर. और इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो ये क्वेश्चन बच्चे बहुत बार पेपर में आता है, परहैप्स इस बार भी शायद आपको ये मिल जाए. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? Yes, neutralization reaction, it is a reaction between an acid and a base to form a salt and water. ठीक है बच्चे, ये वाली जब आप लिखते हो ना, this is not an example. जब हम आपका पेपर या कॉपी चेक करते हैं तो आपने ऊपर एक लाइन लिखी होती है, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वॉटर, और इसके आगे लिख देते हो एग्जाम्पल, तो उसके बाद ऐसे लिख देते हो, दिस इज रॉन्ग. एग्जाम्पल मीन्स यू हैव टू टेक द एग्जाम्पल ऑफ एन एसिड. इसमें से किसी भी एक एसिड के एग्जाम्पल उठा लो, चाहे HCl, HNO3, H2SO4, कोई भी एक उठा लो. सबसे इजी HCl की, HCl प्लस NaOH. अब मैंने आपको क्या कहा है, रिएक्शन के लिए क्या है, H और OH को निकलना है, एसिड में से क्या चीज निकालनी है, H, है ना, और ब्रेस में से क्या निकालना है, OH. ये निकाल के साइड पे कर दे, इसको निकाल के जब साइड करोगे क्या बनेगा, वाटर. पीछे क्या बचा, इधर से Cl और इधर से Na. ठीक है, आपको थोड़ा सा हिंट भी दे दिया, पहले वाले पे पॉजिटिव होता है, दूसरे वाले पे नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये बन गया NaCl. ठीक है, तो दिस इज योर सॉल्ट एंड वॉटर, राइट. दिस इज एन एग्जाम्पल, और आपने नीचे इनके नेम्स लिखने, यू हैव टू मेंशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, जैसे जैसे आप करते जाओगे यू विल मोर बिकम मोर क्लियर विद दैट. सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपकी एक एग्जांपल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अब इसके अलावा किसी को कोई डाउट है यू गाइस के नाम? एसिड और बेस का बेसिक मीनिंग समझ आ गया सबको? ठीक है, और उसके बाद ये आपका जो सॉल्ट बनता है दैट इज आल्सो न्यूट्रल, वाटर इज आल्सो न्यूट्रल. इसमें ना तो एसिडिटी होती है ना ही बेस होता है, मतलब ना तो ये बिटर होते हैं ना ही ये सॉर होते हैं. आपने वाटर को टेस्ट किए, सबने किया हुआ है, कैसा टेस्ट होता है वाटर का? टेस्टलेस, बता नहीं सकते, है ना, वी कांट टेल मैम, क्योंकि हमें पता ही नहीं है. ठीक है जी, और अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया ना बेटे, द चैप्टर विल ऑलमोस्ट क्लियर टू यू. इस चैप्टर में बेसिकली एसिड और बेस की इंट्रोडक्शन है, ठीक है, थर्ड चीज है न्यूट्रल, और उसके बाद जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो हैं इनकी आइडेंटिफिकेशन. आपके पास दो चीजें पड़ी हैं, कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, दैट इंडिकेशन इज गिवन टू अस बाय द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स, सो व्हाट आर इंडिकेटर्स? दीज आर द सब्सटेंसेस दैट हेल्प अस टू नो about whether the given substance is a acid or a base or a neutral solution. Okay? Substances that help us to know about the chemical nature of a substance. अब chemical nature का क्या मतलब है? Chemical nature में आपकी acidity, कि वो acid है, base है
या फिर न्यूट्रल है और इट इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस. इट टेल्स दिस. ठीक है, इंडिकेटर्स टेल अस द केमिकल नेचर ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन. राइट, तो फर्स्ट इंडिकेटर जो हमारी बुक में है दैट इज लिटमस. ठीक है, फ्रॉम वेयर डू वी गेट लिटमस सॉल्यूशन? और कोई? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वेयर डू वी गेट ओके और करेक्ट बच्चे, वी गेट लिटमस सॉल्यूशन फ्रॉम अ प्लांट कॉल्ड एज लाइकन्स. ठीक है, लाइकन से हमें लिटमस सॉल्यूशन मिलता है. दिस सॉल्यूशन इट इज ऑफ टू कलर्स, आइदर ऑफ रेड और ऑफ ब्लू. इवन वी हैड मेड द लिटमस पेपर ऑल्सो. नॉर्मल रूटीन में जो आप लोगों के साथ हमने यूज किया था वो लिटमस पेपर ही यूज किया था, एंड आई थिंक दैट इज क्वाइट इजियर टू यूज इट. है ना, लिटमस पेपर ज्यादा इजी है. कैन यू टेल मी इफ आई विल एड लिटमस पेपर विद एन एसिड विच कलर विल इट गिव? विद एसिड इट गिव्स द रेड कलर. अगर आपका लिटमस पेपर रेड है तो उसमें नो चेंज आएगी, अगर ब्लू है तो रेड हो जाएगा. ठीक है, सो एसिड चेंजेस इट्स कलर ब्लू टू रेड. एंड व्हाट अबाउट द बेसिस? रेड लिटमस टू ब्लू. ठीक है, your red litmus paper gets converted into blue. This is your first indicator. Correct bachche, Samridhi, it's correct. So children, I think it's over to for today. Let's discuss more tomorrow. Okay, till then, bye bye.